जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है और दो राज्यों की कैपिटल भी है। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के डिवीजन के पहले पंजाब सूबे की कैपिटल लाहौर थी, जो डिवीजन के बाद पाकिस्तान में चली गई और अब बचे हुए भारतीय पंजाब के हिस्से के लिए कैपिटल का सवाल आगे आने लगा। तो टेम्प्ररी शिमला को पंजाब की राजधानी घोषित किया और उस वक्त के माननीय पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मॉडर्न एंड हाईली डेवलप्ड सिटी बनाने के लिए आदेश दिए, जो कि आगे जाकर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बना। पर राजधानी बन जाने के बाद से ही भाषा के आधार पर और अन्य मुद्दों पर लोगों के बीच बातें बननी शुरू हुई और इसमें आगे जाकर 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब से निचला भाग हरियाणा बना और ऊपर का पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया और चंडीगढ़, जो पहले सिर्फ पंजाब की हुआ करती थी, उसे यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ कहा जाने लगा और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बन गई और इसे पंजाब द्वारा 60% और हरियाणा द्वारा 40% कंट्रोल किया जाने लगा। और उसके 4 साल बाद यानी 1970 के दौरान पंजाब में बड़े नेता फतेह सिंह ने चंडीगढ़ पंजाब को दे दो ऐसी मांग की, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा ऐसी धमकी भी थी, यानी खुद को जला देने की धमकी थी। उसी प्रेशर में आकर उस वक्त की माननीय पंत प्रधान इंदिरा गांधी जी ने चंडीगढ़ पंजाब को देने की ऐलान किया और हरियाणा को अपनी कैपिटल बनाने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की मदद भी की और कहा जब तक हरियाणा खुद की कैपिटल नहीं बना लेता तब तक चंडीगढ़ दोनों राज्यों की ही कैपिटल रहेगी और वो यूनियन टेरिटरी भी रहेगी। आज इस बात को लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है भगवंत मान साहब, उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब को देने के लिए मांग की है। तो उस पर हरियाणा सरकार ने भी जवाब दिया है, ये आपके अकेले का निर्णय नहीं है, इस पर दोनों राज्यों की सलाह मशवरा ज़रूरी है। इस झगड़े के चलते चंडीगढ़ आज भी दो राज्यों की कैपिटल और देश की यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों, आपके ख्याल से इन दोनों राज्यों को क्या करना चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।